बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, अल्फाजमानी शिद्दत सख्ती, लू गर्म हवा, अलहिजर अल्लाह का डर, आब खुनक ठंडा पानी, तायर परिंदा, मर्दम इंसान, कछार शेर के रहने की जगह, महमा चांद, मुकद्दर मैला या गदला, गर्दाब पानी का भंवर, निहंग मगरमच्छ, खल्क लोग, हिद्दत गर्मी, आफताब सूरज, महताब चांद, ताब व तब चमक दमक, हबाब बुलबुला, आहू हिरन, महर सूरज, शोले जवाला, भड़कता हुआ शोला, माही मछली, और मुज़तरिब परेशान। सवाल नंबर एक, शायर ने गर्मी का ज़िक्र करते हुए शमा की मिसाल क्यों दी है? शायर ने अपनी ज़बान को शमा से तशबीह दी है। वो कहते हैं कि अगर मैं ने गर्मी की इस शिद्दत को बयान करना शुरू कर दिया जो करबला के मैदान में थी, तो मुझे ये डर है कि मेरी ज़बान शमा की तरह जलना शुरू ना कर दे। सवाल नंबर दो, धूप की शिद्दत से फुरात के पानी की क्या सूरत थी? धूप की शिद्दत से दरियाए फुरात का पानी खौल रहा था। सवाल नंबर तीन, मर्दम सात पर्दों के अंदर किस हाल में थे? मर्दम यानी इंसान सात पर्दों के अंदर भी गर्मी की शिद्दत से निढाल थे। उनकी आँखों की पुतलियाँ पसीने से भीगी हुई थीं। सवाल नंबर चार, ये नज़म किस हैयत में लिखी गई है, वजाहत करें। ये नज़म यानी करबला में गर्मी की शिद्दत मुसद्दस शक्ल में है, क्योंकि इसके हर बंद में छः मिसरे हैं। ये तरकीब बंद में है। नज़म करबला में गर्मी की शिद्दत का मरकज़ी ख़याल लिखें। इस नज़म का मरकज़ी ख़याल ये है, जिस दिन वाक़िया करबला पेश आया, उस दिन करबला के मैदान में गर्मी की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त
और नाकाबिले बयान थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनका ख़ानदान और उनके रफ़का काबिले तहसीन हैं, जिन्होंने इन हालात में हक़ का अलम बुलंद रखा और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना अपने रब के हुजूर पेश किया।